व्हेन यू केम टू एसजी फैक्ट्री व्हिच वाज द ओल्डर फैक्ट्री, आप तारिक सर के साथ आए थे, यू हैव एनी मेमोरी? हाँ जी हाँ, मेरे को याद है कि तारिक सिन्हा सर मुझे लेके आए थे और तब मैं कोई क्रिकेट भी नहीं खेलता था, तो सर के जो बोल थे उनकी बहुत वैल्यू थी। मेरे को अच्छे से याद है कि सर ने यहाँ पे पुरानी फैक्ट्री में आके बोला था या रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ये प्लेयर अच्छा है, लड़का अच्छा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो आप इसको सम्मान दें। तो व्हेन आई लुक बैक आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि सर मेरे को लेके आए एसजी फैक्ट्री में, एंड ग्रेटफुल टू एसजी कंपनी एज वेल कि उन्होंने मुझे उस वक्त सम्मान दिया जिस वक्त मैं सिर्फ क्लब लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेल रहा था। तो यू नो, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हु आर ऑब्वियसली गोइंग थ्रू दिस फेज कि अच्छा खेल रहे हैं, एंड हमको सबको पता है यू नो लाइक क्रिकेट इक्विपमेंट, एक क्रिकेटर आपके जैसा जो इस लेवल पे खेला हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है, उसको पता है एक अच्छे बैट की वैल्यू क्या होती है। तो और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी एस्पिरेशन होती है, जिनको होता है कि हमें ना एक अच्छी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो उनके लिए यू नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर हेड, यू नो व्हाट वुड यू वांट टू टेल देम, पीपल हु आर प्लेइंग फॉर द स्टेट और गेटिंग देयर? बिल्कुल यही कहूँगा कि बैट तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, तलवार है हमारी, तो तलवार की धार हमेशा तेज़ होनी चाहिए। और फील की एस जी मेक्स वन ऑफ द बेस्ट बैट्स इन द वर्ल्ड, एंड एंड बैट अच्छा है जब आपके बैट से बॉल अच्छा जा रहा है, उसका फील अलग है। तो वो फील एज अ क्रिकेटर, वो फील से वो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, पता है कि हाँ यार बल्ले से बॉल अच्छा जा रहा है। क्योंकि आपका हुनर जितना मर्जी हो, अगर बल्ला ही नहीं अच्छा होएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इट हैज़ टू सिंक्रोनाइज वेरी नाइसली विद बैट एंड एज वेल एज प्लेयर। एंड ये मैं यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि हमेशा अच्छा बैट ले, जो भी जिसकी जो भी क्षमता है उसके हिसाब से अपना अच्छा बैट चूज़ करे, अच्छी विलो चूज़ करे, एंड एंड एन्जॉय द गेम एंड हैव लॉट ऑफ फन। दैट इज़ मेरे को याद है, अभी मेरी आपसे बात हुई थी कोई 2 महीने पहले और आपने यही बोला था कि मैं ना, आपने पूछा मेरे को फ़ोन पे, बोला कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आप लोगों की, यू नो वुड तो वहीं से आती है, हाँ आप लोग वहीं से बुलाते हो, पर वो डिफरेंस क्यों फील होता है? हाँ जी, रिमेंबर वी हैड दिस कन्वर्सेशन। तो मैंने यही बोला था, मैंने कहा देखो जी, एक चीज होती है, एक तो मटेरियल हो गया, हाँ जी, एंड ऑब्वियसली एट आवर एंड जो पैशन है, जिस तरीके से यू नो, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव हियर एट एसजी इज यू नो नॉट टू डू बिजनेस, ऑब्वियसली इट इज अ बिजनेस फॉर अस, बट हमारा ये होता है कि अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, जो प्लेयर है वो खेले और उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ यार मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। हाँ, तो मैंने कुछ ऐसे ही आपको बोला था, मैंने कहा देखो मटेरियल तो वही है, बट जिस बनाने का जिस पैशन से हम उसको बनाते हैं और जो सर्विस होती है, आई थिंक व्हाट प्रोबब्ली मेक्स अ डिफरेंस इज, जैसे अब स्टोरी यही है कि भाई आई हैव नोन यू फॉर 21 इयर्स, मैं आपको तब भी देखा था जब आप टीनेजर थे, हम बीच में भी मिलते रहे हैं और आज लाइक भी टीनेजर ही लगता हूं मैं, फिटर देन टीनेजर, यहाँ पे टीनेजर बैठे हुए हैं उनसे आप ज्यादा फिट हैं। तो यू नो द स्टोरी यही है, यू नो इट्स जस्ट द कनेक्ट दैट यू हैव एज अ किड, एंड नाउ यू नो वी आर मीटिंग 21 इयर्स डाउन द लाइन, एंड पर्सनली हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यू नो योर, इसको एक तरीके से कह दो घर वापसी, दैट यू नो शिखर स्टार्टेड दिस वाज प्रोबब्ली एसजी वाज योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और अब आप यू नो 21 इयर्स व्हेन वी फर्स्ट मेट एंड नाउ अगेन ऐसे बैठे हैं और वही फीलिंग आ रही है जैसे इट इज स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी फील। और जैसे भी आप बात करते कि दुनिया गोल है, एंड जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं भी अपने करियर के उस मुकाम पे हूँ कि जैसे जो मेरी जर्नी है, क्योंकि हमारे हर एक फील्ड की एक अपनी शेल लाइफ होती है, तो मुझे पता है कि मेरी शेल लाइफ में भी 1-2 साल जितनी भी है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो बैक विद एसजी, एंड And of course, SG is one of the best cricket equipment company. And whether it's leather goods or bats, anything you name it, even socks, is banned. So, सारा कुछ it's top notch. And yep, as an elite cricketer, that's what I want. I want my stuff to be top notch, and I shouldn't be having a second guess.
putting my energy on my equipment. Yeah. I know that, okay, whatever stuff is there, it's top notch, and I'm happy to go with it. Yeah. Yeah. And मैंने भी ना एक चीज़ देखी है, जैसे like obviously we've been very fortunate to work with all the international cricketers, and मैंने आपसे भी डील किया, पहले भी डील किया था, आपने अभी भी डील किया मिस्टर, तो मैंने ये देखा जो क्लैरिटी थी, you know, one thing that I really want to you know appreciate कि you were clear, you were not confused कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए. हाँ जी. मैक्सिमम जो वेरिएशन आपने मांगी है इन द लास्ट 3-4 इयर्स दैट वी हैव बीन एसोसिएटेड क्लोजली, कि कभी था हैंडल, रिमेंबर एक छोटा सा इशू आ गया था कि ना हैंडल थोड़ा सा मोटा लग रहा था या उसकी थोड़ा वो लग रही थी, उसके अलावा यू नो यू वर वेरी क्लियर कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे को ये चीज मिल गई तो आई एम हैप्पी, एंड इफ आई एम हैप्पी आई विल स्कोर रन्स, 19-20 हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू नो यू विल बी कंसर्न्ड कि फील नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है. बट वो भी आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेटर्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत चेंजेस करते हो एंड यू गेट लॉस्ट. या बिल्कुल, वो भी एक एक्सपीरियंस के बाद आता है. और आई फील कि जब यंगस्टर है, अगर वो कर भी रहे हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा. ये बात भी सही है. वो गलती नहीं करेंगे कि भाई ये ट्राई नहीं करेंगे अलग अलग चीज़, तो उन्हें पता क्या लगेगा कि उनके लिए क्या वर्क करती है. इवन अभी भी आई एम लर्निंग सो मच, और अभी भी होता है जैसे अगर मैं आऊँ या मैं बैट बनवाऊँ अपने तरीके से, वो जाएंगे बैट बनवाने, बिल्कुल वो बैट मतलब उसमें मेरे को वो नहीं है ज़्यादा जैसे क्लैरिटी की, क्योंकि बगैर जब बगैर स्टिकर बगैर ग्रिप के बनता है वो वेट अच्छा लगता है, जैसे ही स्टिकर और ग्रिप आ जाता है तो वेट हैवी हो जाता है. करेक्ट. तो वो भी चीज़ होती है, तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जिसका जो काम है वो बनाए, मेरे को वहाँ से भेज दो, आपको पता है कि क्या है, तो मैं उसमें इंटरफेयर ही नहीं करता. और उसमें होता क्या है ना कि जैसे अगर आपको क्लैरिटी है तो हमारे यहाँ जो जो टीम है जो काम कर रही है या जो बैट मेकर है उसको भी क्लैरिटी है, उसको ये पता है कि हाँ भाई शिखर धवन का बैट बनना है, ये वेट है, ये शेप है, थोड़ा सा ये चेंज किया एंड इट इज़ रेडी. तो वो चीज़ थी जो हमारी बात भी हुई है, आपने भी बोला था कि मेरे को ना कम्फर्ट, वो एक कम्फर्ट फैक्टर आ जाता है. एग्जैक्टली. और जिसका जो हुनर है वो उसको फ्री हैंड देना बड़ा जरूरी है. तो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ आल्सो, ये इन बिजनेस आल्सो. जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिजनेस की, मैं वही बोलने लगा था कि मैं भी बिजनेस में आ गया, तो मेरे भी 2-4 बिजनेस है, तो दैट्स द व्हाट डू यू से, दैट्स अ कल्चर आई फॉलो. और इवन जैसे आपने बोला कि आप सब बड़े पैशन से काम करते हो, तो मेरी कंपनीज में भी ये रहता है कि आई वॉन्ट माई एम्प्लॉयज टू बी हैप्पी, दैट इज़ माई मेन प्रायोरिटी, दे हैव टू बी हैप्पी, बिकॉज व्हेन दे आर हैप्पी एवरीथिंग विल फ्लो इन द राइट डायरेक्शन. वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अभी हम अभी जितने मर्जी नंबर्स बड़े हो जाएँ या वो जाए, एक जो इमोशंस हैं वो जुड़ने सबसे ज़रूरी होते हैं. और नंबर्स तो बढ़ने ही चाहिए, वो तो वो बिजनेस की, उसके बाद तो बिजनेस का मज़ा नहीं है. जैसे आप लोग टीम स्पोर्ट खेले हैं. हाँ जी. एंड यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो इफ द एटमोसफेयर इज पॉजिटिव, हाँ जी, तो रिजल्ट अपने आप आएगा. बिल्कुल. वो किसी भी टीम, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो बिजनेस टीम हो, चाहे वो वेर एवर यू आर, इवन इन अ फैमिली फॉर दैट मैटर, यू नो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ एवरीबॉडी फील्स अ पार्ट ऑफ इट. वेरी ट्रू, वेरी वेरी. वो बहुत क्रिटिकल है, एंड आई फील कि वो टॉप से आता है कि लीडर कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करते हैं, तो सारी चीज़ें हरियाकी है, तो वो ऊपर से ही क्या एनर्जी आ रही है नीचे को, सो दैट्स व्हाट मैटर्स. और एक और चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एज एलीट क्रिकेटर एक टाइम पे आके, क्योंकि मालिक ही मेरे से बड़े पैसे भी कमाए, लेकिन जो एक क्वालिटी है वो जो सेटिस्फेक्शन रूह को वो चीज़ देती है, वो पैसा भी नहीं दे सकता. तो वो भी एक जर्नी के बाद बंदा समझता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड मेरा पर्सनली ये मानना है दैट इफ अ पर्सन इज अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ जी, बिजनेस उसके लिए एक यू नो इट इज लाइक फिश इन द वाटर, कि भाई अगर मैं स्पोर्ट्स खेल के इस लेवल पे पहुंच सकता हूँ तो यू नो यू वो जो जर्नी है वो आप पूरी कर चुके हो. वो जर्नी ने आपको सब कुछ सिखा दिया. उस जर्नी ने सक्सेस दिखाया, बहुत सारा सक्सेस दिखाया, सेटबैक्स भी दिखाए, सेटबैक से वापस आना भी सिखाया. हाँ जी. और अगर जो वो सीख है
वो आप किसी भी कॉलेज में किसी भी इंस्टीट्यूट में आप नहीं सिखा सकते. एंड आप देखो जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग रहे हैं, चाहे एथलीट्स हो चाहे बिजनेसमैन हो, दे जस्ट टॉक अबाउट यू नो इट्स ऑल हेयर एब्सोल्युटली. वो जो सीख है, जो क्रिकेट ने सिखा है इतनी अच्छी लाइफ. अब हम तो खैर स्कूल में भी ज़्यादा नहीं पढ़े, तो इंग्लिश भी बोलना यहाँ पे सीखा लोगों के साथ, जो एक्सपोजर मिला क्रिकेट की वजह से, ट्रैवल करने को मिला. इंग्लिश बोलना तो दिल्ली में ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया होता है, हम मेरठ में रहते हैं. तो वो सारी चीज़ें. फिर जब बंदा बाहर ट्रैवल करता है, मेरे को अच्छे से ज़्यादा, जब मैं इंग्लैंड गया था 21 साल का था, तो बस से उतरता था तो देखता लोग थैंक यू बोल रहे हैं बस ड्राइवर को, प्लीज़ बोल रहे हैं. I learned all those things from there and then when I came back, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे भी आज तक मेरे साथ है वो. तो I'm very very grateful for so many things. फिर दूसरे लोगों, दूसरे कंट्रीज़ के प्लेस आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है, सीखने को मिलता है, दोस्ती यारियाँ बनती हैं. एंड अच्छा लगता है कि इतने सारे फॉरेन प्लेस देखता हूँ जिनके एसजी के कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी खुशी होती है. पंजाब में तो अच्छे पंजाब में सैम करन है, लिवी है, अपना शिवम है, सबके पास अच्छे अच्छे बैट हैं, अपना हरप्रीत है, बहुत सारे प्लेयर हैं. तो बहुत खुशी है एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी यू नो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, प्रेशर भी होता है, सेटबैक्स भी होते हैं. तो यू नो एक चीज है जो एसजी ब्रांड के लिए ना, दैट इज पैरामाउंट. व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक टू दैट टीनेजर और अ यंग किड, कि you have to have that belief you know, to achieve. I'm sure aapki bhi journey rahi hai jisme aap under 19 khele hain, fir aapne state ke liye khela hai. To wo jo belief hota hai you know for somebody who's been as successful as you, wo kitna important hota hai, wo agar usko aapne ek percentage deni hai, theek hai mera hard work hai, haan ji ठीक है, मेरा यू नो माय मेंटल टफनेस इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, सारे एस्पेक्ट्स हैं, अकेले बिलीफ से नहीं हो सकता. बट अगर आपको बिलीफ पे कुछ बताना हो, अपनी सोच, आपने अपने आप को कैसे पुश किया. आई फील कि एसजी और जैसे मेरा अपना जो इंडिविजुअल माइंडसेट है, वी सिंक क्वाइट नाइसली बिकॉज आई बिलीव इन द सेम थिंग. जैसे आपका बिलीव बिकम एंड दिस सबसे इंपॉर्टेंट है, योर सेल्फ बिलीफ, बिलीव बिकम और व्हाट्स द थर्ड वन, नहीं इट इज बिलीव बिकम. पहले हमने ना इसमें बीच में वो भी डाला था कि देयर वाज ड्रीम बिलीव बिकम, तो हमने वो हटा के सिर्फ बिलीव बिकम कर दिया. तो भाई ड्रीम छोड़ दो, बिलीव रखो बस. एग्जैक्टली. सो लाइफ में जो भी बच्चे सुन रहे हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग कोई भी सुन रहे हैं, पहले आपके अंदर वो बिलीव होना चाहिए. अगर वो बिलीव नहीं होगा, आप दम मारेंगे, आप अचीव भी कर जाएंगे, ऐसे नहीं नहीं करेंगे. लेकिन उसके लिए आई यूज लॉट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माय लाइफ. ब्यूटीफुल. सो आई नो हाउ टू टर्न माय ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड आई प्रैक्टिस दैट आर्ट सो मेनी इयर्स नाउ. सो आई नो दैट व्हाटएवर फील्ड आई वांट टू गेट इनटू, इट्स माय चॉइस, इट डजंट मैटर व्हाटएवर कंपटीशन इज देयर. It doesn't bother me at this stage of my life. अगर मैंने अपनी रूह और दिल से किया उसको, तो I'll be very successful. So success is certain for me. There's no second guess about it. Negative thought है ही नहीं. वो सिर्फ one direction है कि ये होना ही होना है. ये होना ही होना. Success is, as I said, success is certain for me. It's up to me what I want to touch and what I want to pick. I think that is beautiful. So the mindset here is कि आप अपने आप को doubt करो ही मत. क्योंकि यूजली क्या होता है, जैसे एज अ क्रिकेटर मेरा स्किल है क्रिकेट खेलना, तो मैं वो अपने उस पर वर्क करूँगा, अपनी फिटनेस पे वर्क करूँगा. लोग फिटनेस पे वर्क करते हैं. आपका स्किल है फैक्ट्री चलाना, बैट बनाना, बनवाना यार, और आप अपनी फिटनेस पे वर्क करें. काफ़ी लोग अपने मेंटल या इमोशनल हेल्थ पे वर्क नहीं करते. वेयर एल्स दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस जर्नी पे हो गए तो उस पर ऊँच नहीं चाहिए. तो उस पर आप कैसा सोचते हो, कैसा वो करते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी. व्हाट एनर्जी यू वाइब्रेटिंग ऑन, दैट्स व्हाट मैटर्स.
एंड जैसे आपने बोला कि बिकम्प्लीट, तो आई कैन, वो दो वर्ड से मैंने आपका माइंड सेट वैसे ही पकड़ लिया कि भी आप उस लेवल पे हो, यू बिलीव ऑलरेडी कि योर यू नो कंपनी इज डूइंग सो वेल, एंड दैट्स व्हाई योर कंपनी इज हियर, एज यू सेड दैट कि आप के अंदर, आपकी पूरी टीम के अंदर वो पैशन है, तो यू यू वो पहले सोच आई ना, सोच आई, फिर वो सोच आपकी, वो सोच इतनी रिपीट करेगी वो आपकी सबकॉन्शियस में आपकी नेचर बन चुका है. So that's how I do my thing, whether I'm playing cricket, whether I'm playing business, whether I'm doing business, whether I'm doing shoots, anything. Yeah. And I just do it with that energy and everything falls in place. So I never chase anything in my life from last few years. I attract and cheez apne aap chal ke aati hai. Aapne, maine ek cheez notice kari hai, jab aap baat karte ho, you always थैंक ऑलमाइटी. आप कुछ कुछ बात में ना, जैसे कुछ अगर कोई चीज़ भी होती है तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन क्वालिटी दैट आई हैव नोटिस्ड. आज नहीं देखा मैंने, हमेशा देखा है कि आप कहते हो कि हाँ जी, मालिक का शुक्रिया था, तो बिल्कुल मैंने बहुत बार सुना आपके, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज इवन व्हेन आई एम यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम यूजिंग यूनिवर्स पावर, तो आई सरेंडर कि मैं एक थॉट लेता हूँ कि अच्छा, I never use this word ki I want to be that. But when you say you want something, that means you don't have it. So I always feel that I'm already having that, or I'm already doing. Yeah. Or I'm on the path. Yeah. I'm on the right path. On the right path. And then I surrender. फिर मैं होता कि वो nature उनको universe कहो, भगवान God कहो, nature कहो, कुछ मर्जी बोल दो, उन्होंने जब ला के देनी ही देनी, क्योंकि हम तो बीच थे यूनिवर्स कितने टाइम से, तो दे नो सो मच मोर देन अस, तो हम अपना दिमाग क्यों लगा. अब सपोज जैसे मेरे लिए भाई 10,000 crore बड़ी चीज़ है, कि मैं कहूँगी अच्छा मेरे को 10,000 crore का बंदा बनना है, तो मेरे लिए तो बड़ा है, पर यूनिवर्स के लिए क्या है, कुछ भी नहीं. 10,000 crore कुछ भी नहीं. जब आप समुंदर में जाओ तो आप देखो, जब ये बिल्डिंग बड़ी लगती है, आप समुंदर में चले जाओ, ये ऐसे लगे यार ये क्या, कुछ भी नहीं है. तो मैं आई नेवर टैग एनीथिंग, आई नेवर टैग, एंड अब भगवान ने मुझे 10,000 crore देने, लाख करोड़ देने, जितने देने या 1 रुपया देने दो, सो तो फिर वो मालिक के उसमें, तो दैट्स वाई ट्रस्ट एंड सरेंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. इसलिए मैंने नोटिस किया था, इसलिए मैंने कहा ये भी इतना ज़रूरी है कि आप यू नो यू ऑलवेज थैंक ऑलमाइटी, विच इज़ अ लवली हैबिट. आई थिंक दैट इज़ वॉट वी शुड यू नो एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस, यू नो कि जो भी है आपके पास, हाँ, शुक्राना में रहना जरूरी, क्योंकि शुक्राना में रहेंगे तो यू विल अट्रैक्ट दैट एनर्जी. नहीं, एनर्जी की बात अगर करें तो अभी हम आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि आप एक ऐसे जने हैं जिसने राहुल द्रविड़ को भी इंस्टा रील में डाल दिया डांस करते हुए, वो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता. राहुल भाई इज लॉट ऑफ फन. I got great relation with him. वो बहुत अच्छी रील थी वो, actually. We were just talking about that कि भैया वो शिकर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता. अच्छा, वो मेरे को कोई पूछ रहा कि यार बहुत वो करना है, मैं नहीं, राहुल भाई को एक बार ही बोला, and राहुल भाई was on for it. And see, अब जैसे लोग बोलते रील बन रही, मेरा देखने का नजरिया है कि वो टीम बॉन्डिंग भी है. वो टेक्नोलॉजी का यूज आप कैसे कर रहे हो टीम बॉन्डिंग. हमने वही देखा था ना, दैट फेज व्हेन यू वर कैप्टनिंग एंड यू ऑब्वियसली हैड अ यंग टीम, सारे यंगस्टर्स थे, एंड उसमें ये दिख रहा था कि यार सबसे ज्यादा तो एनर्जी यूथफुल शिखर में है, दे वर ट्राइंग टू कैच अप विद यू. तो इट्स गुड फन, लाइक वी वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टीम, पूरी प्रॉपर टीम थी, एंड वी ऑल वर यंग प्लेयर्स, एंड दैट वाज वेरी गुड सीरीज. तो इट्स गुड, एंड इवन लाइक एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई एम स्टिल लीडिंग पंजाब की, वो भी अपने आप में बड़ी बात है. या 1.5 साल पहले मैंने इंडियन टीम को, सो आई एम द ओल्डेस्ट कैप्टन एवर, ओल्डेस्ट. तो वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वुड हैव बीन इन योर प्लान, यू नो कि मेरे को आई शुड यू नो आई हैव दैट बैज कि मैं कैप्टन कर चुका हूं इंडिया, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग. देखो कितने कैप्टन आप गिन सकते हैं, आप एक उंगली एक हाथ में गिन सकते हैं कि सिर्फ इतने ही कैप्टन थे, एंड नाउ यू नो योर नेम आल्सो फीचर्स, एंड देयर आर सम विक्ट्रीज आल्सो व्हिच इज ब्रिलियंट. एंड आई यूज्ड टू ड्रीम कि आई एम मेकिंग लॉट्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिस और दैट, वो सारी चीजें सच होती नहीं. हम तो यू नो वी वर क्वाइट होपफुल, जैसे कि ICC में टूर्नामेंट में जो आपकी परफॉर्मेंस है, आई थिंक देयर इज स्टैट देयर व्हिच शोस दैट यू आर प्रोबब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल इन द लास्ट डेकेड और सो. हां जी, तो व्हिच इज अमेजिंग, यू नो, एंड दैट्स
when it matters, you know, ultimately क्या है, आप इतनी क्रिकेट खेलते हो, it ultimately gets down to the trophies. Yeah, exactly. And और आप देख लीजिए जितने भी बाकी स्पोर्ट भी देखिए, like whether it is tennis or any other sport for that matter, उसमें होता क्या है कि जो बड़ा प्लेयर है बस वो तो विंबलडन और यूएस ओपन में ही बढ़िया खेलेगा. वो छोटा टूर्नामेंट जब खेलता है तो वो उसमें हार जाता है. पर हाँ, मैं अपनी तरफ से तो प्रोसेस हमेशा सेम ही रखता हूँ. पर या मालिक की मेरे से देयर इज डेटा, देयर इज स्टैट्स देयर दैट शोस दैट यू नो योर आईसीसी, यू आर लाइक द मिस्टर आईसीसी फॉर इंडियन टीम. आज मैं कैसे ना ज्ञान सुन रहा था, मेरे को ज्ञान सुनने का शौक है, तो मैं ओशो को सुन रहा था, ओशो जी को सुन रहा था, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली. वो कहते कि जैसे जब कभी आपके तरफ चीज़ें नहीं चल रही हो तो उस वक्त आंसू बंद भाया करो, उस वक्त खुश हो जितना खुश हो सकते हो. वो कहते जब आप सक्सेस हो रहे हो ना, तब अगर आपको रोना है तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जब नहीं हुई कोई चीज़ तो उस वक्त खुशी मनाओ. रिवर्स साइकोलॉजी है कि आप उस टाइम डाउन मत हो, डाउन मत हो, नहीं नहीं उस टाइम खुश रहो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, हाँ मज़े करो. बिकॉज क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी आ गई वो आपको नीचे खींचेगी, वो आप अपनी एनर्जी ऊपर रखो, और जब ऊपर हो तो रो भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं ना. विच इज अब जैसे हम पढ़ते हैं आजकल इतना कुछ इंस्टाग्राम पे भी आता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम तो और फोन पे ही लगाते हैं वो, बिल्कुल. तो उसमें वो यही कहते हैं कि यू नो दैट इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव. जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो, जितना आप यू नो लाइक यू कैन इग्नोर दीज अप्स एंड डाउन्स, आई थिंक दैट वही सक्सेस है. वो सक्सेस सारा यहाँ से ही आएगा. हां जी, एग्जैक्टली. मेहनत सब करते हैं, टैलेंट सब में होता है. Yeah. And then there'll be somebody who'll be physically stronger than you. किसका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है वो बड़ा मैटर करता है. और बाकी चलो किस्मत के भी लिखे जो कि अपने हैं. मेरे कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि कोई एक सोच उसी वक्त क्यों आई, वो पहले क्यों नहीं आई. वो सोच की सोच भी जो बख्शी गई वो उस साल क्यों आई, वो चार साल पहले क्यों नहीं आई. वो भी कभी थॉट में आता है, तो तब वही एक्सपीरियंस है. वही एक्सपीरियंस वही एक्सपीरियंस आई थिंक जो यंगस्टर्स को भी समझना चाहिए कि देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो टाइम सिखाएगा आपको. हाँ जी, यंगस्टर्स के लिए सहनशीलता, पेशेंस, कंपैशन, लव टुवर्ड्स देमसेल्फ, लव टुवर्ड्स योर वर्क, बीइंग इन लव विद योर वर्क एंड स्टिल बी डिटैच्ड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And that will take them long way. Yeah. I think ये अच्छा बोला आपने कि अगर detached हो तो इतना heartbreak नहीं होगा with the setbacks and you can come back stronger. Come back stronger. जब प्यार में होता है, प्यार करता है ना, तो detachment नहीं होगी तो वो फिर नई, क्योंकि चीज़ें सारी चीज़ें तो आपके मुताबिक नहीं चलेंगी. Correct. तो जब नहीं चलेंगी तो फिर वो ना expectations होती हैं, तो expectation फिर वो निराशा देती हैं काफ़ी. तो rather than expectation, the focus should be on acceptance. Once you are focused on acceptance, then you will just accept. Yeah, yeah, that's what it is. इसी में मेरा भला है कुछ. जैसे हमने सर की तो बात करी थी, तारिक सर की, that he obviously was very important person in your early career. तो अब हम देखते हैं जैसे parents भी हैं, parents बहुत ज़्यादा involved हो रहे हैं. हाँ जी. बच्चों के साथ वो आपका क्या उस पर, इज इट हेल्दी, कितना होना चाहिए, बिकॉज यू नो प्रेशर बढ़ जाता है. मेरे को ये पर्सनली लगता है दैट यू नो पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन द चाइल्ड. वो पेरेंट के प्रेशर मेरे ख्याल से आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा हो जाता है. एग्जैक्टली. बच्चा अपना बचपन खोता है पहले, तो हाउ वर योर पेरेंट्स, वर दे गिविंग यू द स्पेस, और कि आपके ऊपर भी उतना ही प्रेशर था? मैं मेरे पेरेंट्स में अगर गिनती में करूँ, मैं अगर मेरा 27 साल का करियर है, 27 साल में 7 बारी भी नहीं आया. कोई प्रेशर नहीं था. मतलब मैं ऐसा हूँ कि जैसे मेरे तो को 11 मतलब साल जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि आप इतना बड़ा क्रिकेटर बन सकते हो बिना पेरेंट्स के प्रेशर के. बिल्कुल. पहली चीज़ कि जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अपने उनका बच्चा अच्छा करे, कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का सपना होता है तो अपना सपना अपने बच्चे में डालते हैं. कई बार बहुत बार बहुत बार होता है. और ये ऐसी चीज़ है कि मेरे उसमें मेरे पेरेंट्स मुझे, मैं 11 साल का था पहली बार क्लब छोड़ने गए, उसके बाद 11 साल की उम्र से मैंने डीटीसी बस में मैं ट्रैवल करता था, किट बैग लेके खुद जाना खुद आना. तब का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है. आज सबको अगर ड्राइवर है कुछ है, क्योंकि हर एक की सकम से. लेकिन वहाँ छोड़ दो, छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जंगल में जब
एक जंगल का शेर अलग होता है, एक पिंजरे का शेर अलग होता है. तो आप कौन सा शेर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो बड़ा मैटर होता है. मुझे कहीं भी छोड़ दो, आई विल कम बैक, आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन, आई विल कम बैक आउट ऑफ इट. दैट्स हाउ आई हैव बीन ट्रेंड, दैट्स हाउ माय माइंड हैव बीन ट्रेंड. एंड तो ऐसे नहीं कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं, सपोर्ट तो सबको चाहिए, बट जैसे होता है ना कि एक पूरा टाइम वो ना एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है और एक जना फ्री है, तो ऑब्वियसली जो अपने आप खुद फाइट कर रहा है विदाउट दैट मच सपोर्ट, वो तो सीख जाएगा, वो तो जद्दोजहद सीख जाएगा. बिल्कुल. तो वो चीज़ होनी बड़ी ज़रूरी है. तो पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी कोचेस पे, कोच पहले जब आप कोच ढूंढ रहे हैं तो कोच बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके, जो अच्छे कोच हैं स्किल वाइज, करेक्टर वाइज, क्योंकि जो आपके बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकें जहाँ पे आपका बच्चा सेफ है, एंड देन कोच के हवाले कर दें कि भाई हम तो जिस ज़माने में हमने कोचिंग ली उधर, तो हमारे को पिटाइयाँ बड़ी होती थी, पेड़ की टहनियों से भी पिटाई हुई है, थप्पड़ भी बड़े पड़े हैं, तो हम उस एरा से आए हुए हैं. लेकिन आज वो कल्चर नहीं, एंड आई डोंट एग्री विद दैट कल्चर एज वेल. नॉट दैट आई हैव एनी रिग्रेट, बट आई थिंक डिफरेंटली. और लेकिन वो एक फ्रीडम देनी बड़ी ज़रूरी है ताकि बच्चा एक्सप्रेस कर सके. और मैं जब कभी अच्छा भी नहीं होता, मेरी मम्मा ने ये कहना कहा कोई नहीं, कोई नहीं, फिर अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खेलता रहा. तो आई थिंक वो वही वाली बात होगी जो हम बात कर रहे थे ना, जस्ट पॉजिटिविटी, जस्ट एनवायरनमेंट की. आप ठीक है, इफ़ यू नॉट डन वेल एज अ किड, आपका पेरेंट आप प्रेशर नहीं डालना, आपका पेरेंट आपको ये बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. और वो लाइफ में सबके लिए रेलेवेंट है, दैट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. हाँ जी हाँ, ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल. एंड वो प्रेशर कम कर देता है, प्रेशर कम हो गया तो बंदा फ्री होके, फ्री हो गया खेल पाता है, मेन परफॉर्म कर पाता है. मतलब हमारे आईपीएल में भी सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि प्रेशर कैसे कम करना. तो आप जैसे जो बच्चों की बात हो रही है, हम बड़ों की बात कर रहे हैं कि बड़े में भी अगर हम प्रेशर दे देंगे अपनी टीम पे तो हमारी टीम नहीं वो कर पाएगी. तो हम अपनी टीम को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं लंबे से लंबा, वो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है. तो अगर टॉप नॉच लेवल पे वो चल रहा है तो बॉटम लेवल पे, यस नॉट बॉटम लेवल नहीं, स्टार्टिंग लेवल पे, दैट वुड बी बेटर वर्ड, स्टार्टिंग लेवल पे भी वैसा ही रहना चाहिए. तो और कई बार ऐसा भी होता है कि भी मैं अपने टाइम पर भी देखा, मेरे साथ एक लेफ्ट हैंडर था लड़का, तो वो बैटिंग करता तो उसके फादर साहब पीछे खड़े हो जाते थे नेट के पीछे, वो कुछ हल्का सा ये करे वो करे वो वहाँ से बोलते रहते थे कभी कुछ बोलना. पेरेंट, अब वो फादर साहब तो उसका भला चाहते थे, पर वो भला हुआ ही नहीं, नहीं होता, क्योंकि पहले पूरी नॉलेज है उस चीज़ की नहीं, नहीं है. तो फिर आप आधी नॉलेज से बच्चे को बता रहे हो, ऊपर से प्रेशर, तो वो बच्चा ख़त्म ही हो गया. मैंने ऐसे बड़े केसेस देखे, बहुत केसेस हैं. मैंने बहुत टैलेंटेड बच्चे भी देखे हैं, और वो होता यही है दैट यू नो द पेरेंट हैज़, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है बच्चे के लिए. आई थिंक वो बहुत सैड है. आई थिंक इफ एक दो पेरेंट्स भी हमारी ये कॉन्वर्सेशन पहुँच जाए उनके पास, बिल्कुल दे शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. I think lovely यार, मजा आ गया. Thank you Juni. Always a pleasure chatting. You got a very beautiful, very organized, neat and clean factory, and I'm very very impressed. वो भी हमने very green as well. हाँ green है. Very green. Lovely. Thank you.